मां बगलामुखी धाम नजदीक लम्बापिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन मां बगलामुखी जी के निमित्त मंत्र माला जाप कर मुख्य यजमान मन्नत भारद्वाज से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई गई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सही को गवाही की जरूरत नहीं होती, सही में कभी कोई बुराई नहीं होती, सही को सही साबित करने के लिए परमात्मा की भी जरूरत नहीं होती। वहीं हवन यज्ञ के उपरांत 9 मई को मां बगलामुखी जयंती उत्सव पर सर्वप्रथम निमंत्रण मां बगलामुखी जी को अर्पित किया गया। इस अवसर पर श्रीकंठ जज विक्रम भसीन, मुनीश शर्मा, राजेंद्र कत्याल, रोहित बहल, मुकेश चौधरी, दिशांत, राकेश महाजन, जसविंदर सिंह, बाबा जोशी, सुरेंद्र सिंह, संजीव शर्मा, शेखर सेठ, मधुकर कत्याल, मानव शर्मा, अभिलक्ष्य चुघ, अशोक शर्मा, सुरेंदर सौरभ मल्होत्रा, राजेश मेहता, दिलीप कुमार, मोहित बहल, नीटू, साहिल, मनोज चड्डा, विनोद खन्ना, सुमित, दिशांत, संजीव, गीतेश, यज्ञदत्त, अश्विनी शर्मा, बाबा खन्ना, राजीव, राकेश, ठाकुर बलदेव सिंह, विनोद खन्ना, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस, दिनेश चौधरी, रवि कुमार, पंकज, मानव शर्मा, दीपक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जिहड़ा सच है साच को नहीं आज, सो इसलिए जिहड़ा भी सच है उन्हों किसी भी तरह की दवाई भी उन्होंने यह साबित नहीं करना चाहता कि असं परमात्मा को कितना प्यार करते कि नहीं। ड्रामेबाजी भावे है भी कुछ पंथ अधीर गत एक पंथ को प्यार मैं समझिया कोई साध है मेरी कपड़ की खाई बगला भगत नहीं बनना पड़ता कि एक लाख तो चक के उपर एक लाख से खड़ा लगता है तू करना तो भगत ही कोई नहीं पर मच्छी आई तो बड़ा मच्छी भट्टा लग गया। सो इसलिए एक दोहा है कुछ पंथ अधीर गत बड़े उजले पंख है जिते अधीर गत बड़ा ध्यान के विच मगन है कुजल पंथ अधीर गत एक पंथ को ध्यान मैं समझिया कोई साध है मेरी कपट की खाई। सो मैं किसी बारे व्यक्ति विशेष बारे नहीं कहता बट जिहड़े सच हुंदा कुछ भी लुकाउण दी या उहनूं रीप्रजेंट करन दी लोड़ नहीं हुंदी उह सच है ते सच ही हैगा। जय मां बगलामुखी जी। अज मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी च विशेष हवन यज्ञ जिहड़े सप्ताहिक हुंदे आ उह होया, उस तों उपरांत सब तों पहला जिहड़ा अज निमंत्रण है 9 मई 2022 दिन सोमवार को जिहड़ी बगलामुखी जयंती आ रही है उस उपलक्ष्य सब तो पहला जिहड़ा निमंत्रण है वह मां बगलामुखी जी नूं दिता गया है। और मैं सारे समूह संगतां नूं यह करवद प्रार्थना करदा कि मां अपने भगतां नूं इदां ही आशीर्वाद दिओ तेरे दरबार ते आंदे रहन। और जिहड़ा 9 मई नूं तुहाडे मां बगलामुखी जयंती महोत्सव है उस दे विच बढ़ चढ़ के सारे शामिल होण, सब परिवार शामिल होण। यह भी मैं दसना चाहना कि उस दिन अखंड जिहड़ा हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा लगभग सवा लख आउतियां उस दिन सारा दिन पाण दी असी कोशिश कर रहे हैं माँ की कृपा होवे। सवेरे 5:30-6 बजे तो हवन यज्ञ शुरू हो जाएगा जिहड़ा लगातार सारा दिन चलेगा। आप भी आओ, अपने परिवार को भी लैके आओ, किसी तरह की भी किसी विघन बाधा है वो उस दिन आके हवन यज्ञ च आहुतियां पाओ और अपना जीवन सफल करो। और इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि अगले वीरवार को होली महोत्सव जिहड़ी कि फुलां दी होली पिछले साल भी आपां महामारी दे नाल खेली है और अगले इस साल भी अगले वीरवार को विशेष रूप से होली खेली जाएगी। सारे भगत अपने नाल हार प्रसाद जरूर लै गए हैं, पुष्प जरूर लै गए हैं ता जो आपां महामारी नूं होली दी वर्षा करके इस उत्सव नूं दिन दुगनी ते रात चौगनी उन्ती दे नाल नाल इहदे समाज नूं अगे वधांदे रहिए। जय मां बगलामुखी। मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी च अज हवन जाके हो के माँ की अपार कृपा दे नाल सारे भगतां ने आशीर्वाद लिया। माँ की अपार कृपा दे नाल माँ की जयंती आ रही है, सारयां नूं निमंत्रण पत्र दिता गया है। समूह देशवासी शहरवासी जिथे तक
कोटला थानी आवाज आती है सारे मां के चरणा जाके मां का आशीर्वाद लैन।